बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, जुमातुल मुबारक। उम्मीद है बच्चों आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आपने कल वाला काम भी किया होगा। आज हम स्टार्ट करते हैं मुतालिया पाकिस्तान, सबक नंबर एक, पाकिस्तान की नज़रियाती असास। जी, आज का टॉपिक है हमारा नज़रिए की अहमियत, नज़रिए पाकिस्तान का मफहूम। अब क्लास वर्क करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नज़रिए की अहमियत की, कि नज़रिया क्या अहमियत रखता है। नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है, इसी की वजह से जो लोग हैं वो ज़िंदा नज़र आते हैं। नज़रिया इंसान को एक दूसरे के साथ कौमी हकूक़ व फ़राइज़ की वजाहत करता है। नज़रिया लोगों को आपस में जोड़े रखता है। नज़रिया हर हसूल की कोशिश और हर मुश्किलात से मुकाबला करने की ताकत बख्शता है। नज़रिया जो है वह जदोजहद का नाम है और किसी मकसद के हसूल का नाम है। नज़रिए से ऐसे होता है कि बहुत से इनकलाब जन्म लेते हैं और इसी की वजह से बहुत सारे नए रास्ते बनते हैं। हर एक नज़रिया फ़ौरन वजूद में नहीं आ जाता, बल्कि इसके पीछे कुछ वाक़यात होते हैं, कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से एक नज़रिया जो है वो जन्म लेता है। जिस तरह के अगर हम बात करें तो बरसगीर में मुसलमानों का जो नज़रिया था वो इस्लाम की बिना पर था, और इसी तरह अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में स्याह रंगत के लोगों ने अपने हकूक़ के लिए, सबने मसावी हकूक़ के लिए जदोजहद शुरू की। तो ये नज़रिया जो था मसावी हकूक़ के हसूल का था, और एक लंबे अरसे तक बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूमी ने उनको इस बात पर इकट्ठा कर दिया कि उनको भी मसावी हकूक़ मिलने चाहिए। इसी तरह बात करते हैं मुसलमानों की, तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसी तरह जब मुसलमान बस्ती में थे तो उनके साथ भी जब अंग्रेज़ और हिंदू का ज़ालमाना रवैया था, तो इस वजह से मुसलमानों के अंदर एक आज़ादी की नई लहर पैदा हुई, जिसकी वजह से एक अलग वतन का नज़रिया पैदा हुआ। इसके पसे पर्दा तारीख़, रवायात, रस्म व रिवाज, मज़ात, नफ्सियात, मज़हब जैसे अनासर शामिल है। यही अनासर किसी नज़रिए की अहमियत को उजागर करते हैं। नज़रिए पाकिस्तान का मफहूम। जब हम नज़रिए पाकिस्तान की बात करते हैं तो दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि नज़रिए पाकिस्तान का मफहूम इस्लामी नज़रिए हयात है। जनूबी एशिया की तरीक़ के हवाले से मुसलमानों का ये शौर था कि इस्लामी नज़रिए हयात की बुनियाद पर वो एक दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ़ हैं, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि पाकिस्तान तो उसी रोज़ वजूद में आ गया जब हिंदुस्तान में पहला हिंदू मुसलमान हुआ। नज़रिए की तारीफ की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान वो लाहे अमल था जिसकी बुनियाद एक ख़ास नज़रिया यानी इस्लाम पर रखी गई, जिसको वाज़ेह करने का मकसद इस्लाम के एक तहजीबी, सकाफ़ती, तमदनी, सियासी और माशी निज़ाम नाफज करना था। पाकिस्तान का क़याम एक नज़रिए के तहत अमल में आया जो कि नज़रिए पाकिस्तान कहलाता है, जो नज़रिए इस्लाम है। नज़रिए पाकिस्तान की हैसियत से पाकिस्तान के वजूद में रूह की तरह है, जिसके बगैर पाकिस्तान के क़याम का कोई तसव्वुर नहीं है। तहरीके पाकिस्तान के दौरान जो मुसलमानों ने शौरी तौर पर एक नज़रिए के तहत आज़ाद मुस्लिम रियासत हासिल करने की जदोजहद की, उसकी तारीफ हम यूं करते हैं। नज़रिए पाकिस्तान से मुराद एक ऐसा इलाका, खिता, ज़मीन का हसूल है जहां मुसलमान कुरान और सुन्नत की रोशनी और इस्लामिक दार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और इस्लाम के रोशन असूलों के तहत अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और तहरीके पाकिस्तान और तमीर पाकिस्तान की मजमू तसव्वुर को नज़रिए पाकिस्तान कहते हैं, यानी कि पाकिस्तान की कोशिश और पाकिस्तान का बनने को की मजमू तसव्वुर को, यानी कि जो इन सारी सोचें जो जमा हुई इसको नज़रिए पाकिस्तान कहते हैं। नज़रिए पाकिस्तान वो नज़रियाती बुनियाद है जिसके तहत बरसगीर के मुसलमानों ने अपनी शनाख्त, हकूक और अलहदा वतन और कौमी फलाह व बहबूद के लिए जदोजहद की। ये था हमारा आज का काम। इसमें आप लोगों की डायरी है, नज़रिए की अहमियत जो है जो अभी आपने पहले सबसे पहले पढ़ी है वो आपने राइट करनी है,
वो नज़रिए की तारीफ़, माखज़ और अहमियत का जायज़ा तैयार करना है। शुक्रिया।